अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे स्केल टूल के बारे में, शेयर टूल और रीशेप टूल। यहाँ से हम सबसे पहले टूल सेलेक्ट करेंगे। ये आपको एरो कीज़ कुछ नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। इस पर हम माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्केल टूल, सेकंड है शेयर टूल और थर्ड है रीशेप टूल, ठीक है। अगर आपको आइकन्स यहाँ से ना मिले तो आप इस पर क्लिक करके रखिए। यहाँ एक आपको एरो की नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस एरो की पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक छोटे से टैब में ये एरोज जो हमारे आइकन्स है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हम टूल्स यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप से यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं तो आपके पास टूल बार में दोबारा भी यहाँ मौजूद होंगे, ठीक है। तो स्केल टूल क्या काम करता है, जैसे कि हम कोई भी शेप बनाते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, कुछ भी, हमें अगर उसे रोटेट करना होता है, ठीक है, तो हम सेलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ से हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक है। या हमें एक सर्कल स्क्वायर की शेप बना लेते हैं। अब हम सेलेक्शन टूल लेके इसको यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्केल टूल भी सेम ऐसे ही काम करता है, हम यहाँ से स्केल टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक शेप हम बनाते हैं पहले सेलेक्शन टूल से, एक शेप बनाई मैंने, अब मैं स्केल सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। स्केल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ये विविड पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रोटेट टूल की क्लास में भी बताया था, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे चार एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारी पाथ है चार, ठीक है। मुझे इसका साइज़ छोटा करना है या रिड्यूस करना है तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन जो इसका साइज़ है ये अब आप जिस हिसाब से चाहें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्रोपोर्शनली चाहिए होगा तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और फिर इसको ड्रैग करूँगा, तो आप ये देखें ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये साइज़। तो हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। अगर मैं जस्ट पहले तो मुझे इसका विविड पॉइंट सेट करना होगा, ठीक है। मुझे अगर एक सिलेक्टेड एरिया में चाहिए, मैं दोबारा से स्क्वायर बना रहा हूँ, ऐसे सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर अलाइन करने के बाद यहाँ हमारे पास विविड पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से स्केल टूल सेलेक्ट किया, अब विविड पॉइंट मैं यहाँ से मूव करके यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ, तो अब आप देखिए डुप्लीकेट कॉपी इसकी इस विविड पॉइंट के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है। मैं यहाँ एक बना लेता हूँ और इसकी डुप्लीकेट बनाता जाता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये शेप बन गई है, ठीक है। तो बेसिकली स्केल टूल से हम ये इस तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिज़ाइन बना हो, एक्स वाई जेड कुछ भी बना हो, ठीक है, जैसे कि एक बॉक्स है मेरे पास और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, स्ट्रोक इसका ऑफ कर देते हैं, मैं कोर कॉपी इसकी बना लेता हूँ, इन दोनों को इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों के कलर डिफरेंट हो। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लेयर बन चुकी है, एक ही शेप में है दोनों हमारे पास, ठीक है। अब मुझे इसका प्रोपोर्शनली साइज़ अगर छोटा करना है, ठीक है, अगर मैं इसका 50% करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता ये 100% करेक्ट है या नहीं, तो इसके लिए क्या है कि मैं स्केल टूल यहाँ से सेलेक्ट करके इस डबल क्लिक करूँगा स्केल टूल पे, हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ शो होंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रीव्यू है इसका, ठीक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू है 83%, ठीक है। हम इसको चेंज करके 50% करते हैं, ठीक है। 50% करने के बाद मैं इसका प्रीव्यू चेक कर रहा हूँ, अब ये देखिए ये प्रीव्यू है, ठीक है, ये 50% का साइज़ है और ये हमारा 100% है, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहूँ तो मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा, अब मैं दोनों को सेलेक्ट करके साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक साइज़ था, ठीक है, हमने इसका 50% ये लिया। हमें अगर इसका दूसरा कोई साइज़ चाहिए होगा तो हम अगेन वही करेंगे, यहाँ से हम शेप को सेलेक्ट करेंगे
और स्केल वाले टूल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास वैल्यूज शो हो रही है। हम ज़्यादातर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई हैवी फाइल होती है जिसमें हम प्रोपोर्शनली साइज़ छोटा नहीं कर सकते हैं, या हमें साइज़ बहुत मतलब फोकस करना पड़ता है उसमें सेंटीमीटर्स के लिहाज से या मिलीमीटर के लिहाज से, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारा जो साइज़ था, लास्ट जो वैल्यू थी हमारी 50%, तो यहाँ अब लास्ट वैल्यू शो हो रही है 50%, लेकिन हमें इस बार ज़्यादा साइज़ चाहिए तो हम 80% कर देते हैं। ठीक है, 80% करके एक और कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये रही हमारी 100% की कॉपी। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, ये 100%, ये 80%, और ये हमारे पास है 50%। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी शेप होगी या जो भी हमारा डिज़ाइन होगा उसको हम स्केल टूल से प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर इसका 10% चाहिए तो मैं सेम स्केल टूल पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से वैल्यू 10% करके कॉपी कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ ये शो हो रहा है 10%, ये वैल्यू है हमारे पास 10% की। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केल टूल का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। अगर स्केल टूल में जैसे मैंने आपको बताया हमें कोई शेप बनानी हो, मेरे पास ये एक शेप है। ठीक है, मैं इसका कलर ऑफ़ कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक कुछ रख लेता हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट्स मैंने इसका स्ट्रोक कर लिया, स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर देते हैं नेवी ब्लू या स्काई ब्लू टाइप का। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, स्केल टूल लेंगे और यहाँ से विविट पॉइंट हम थोड़ा सा आगे कर सकते हैं अगर हमें अंदर की तरफ इसका साइज़ चाहिए, लेकिन अगर हमें सेम चाहिए तो हम सेम इसकी कॉपी इस तरीके से नहीं ले सकते। तो हम यहाँ से विविट पॉइंट इसका यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। अभी हमारे पास एक डुप्लीकेट कॉपी आ गई। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे तो हमारे पास शेप कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है, वो जो आपकी शेप हो जिस हिसाब से आपको चाहिए हो वो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं कोई स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर लेने के बाद स्केल टू सेलेक्ट किया मैंने, इसका विविट पॉइंट मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ इस तरीके से, भी हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, अगेन हम एक और बॉक्स लेंगे। ठीक है, मुझे इसका विविट पॉइंट यहाँ इस कॉर्नर पर रखना है, मैं चाहता हूँ कि इसकी शेप यहाँ से वहाँ तक जाए। ठीक है, तो मैं विविट पॉइंट यहाँ सेट कर दूँगा। ठीक है, और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यूँ बना लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो अब आप देखिए ये आपको एक और कुछ इंटरेस्टिंग सा नज़र आएगा, कुछ अजीब सी शेप है, बट हमें अगर कोई 3D लुक वगैरह देना होता है तो हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास है शेयर टूल। ये जो बराबर में टूल है ये है शेयर टूल। शेयर टूल का क्या काम है, मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम कोई कलर फिल करते हैं, ग्रीन कलर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ भी कर देता हूँ इसकी कॉपी, कुछ मज़ीद कॉपीज़ भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट कॉपीज़ बना सकते हैं और मैं नीचे भी इसको कॉपीज़ की मज़ीद बना लेता हूँ नीचे। अब ये मेरे पास सिंगल एक स्क्वायर है। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं शेयर टूल लेके जस्ट मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर, तो अब देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई। हमें बाज़ों का कोई शेप चाहिए होती है तो हम पेन टूल से ड्रा करके बना रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि इनकी जो साइड्स है वो इक्वल है या नहीं है, हमें 100% श्योर नहीं होता। तो इसके लिए हमारा जो भी साइज़ होगा हम एक साइज़ बनाएंगे। ठीक है, शेयर टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसे हम या लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे या राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जब भी आप ड्रैग करने लगे तो आप शिफ्ट लाजमी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ प्रोपोर्शनली मतलब होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी, वो कुछ अजीबोगरीब बन सकता है। तो इसके लिए शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है, शिफ्ट प्रेस कीजिए और उसके बाद इसे ड्रैग कीजिए। ठीक है, ये हमारी शेप कुछ ऐसे बन गई। ठीक है,
अब हम चाहें तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ भी हम ले सकते हैं, इसका साइज़ छोटा करके इसकी डुप्लिकेट कॉपी हम यूँ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे पास ये शेप है, हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब मैं इन सब को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इन सब को सेलेक्ट करने के बाद मैं शेयर टूल यहाँ से लूँगा और मैं चाहता हूँ इन सब पे अप्लाई हो, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ये देखिए सब की सब चेंज हो गई। तो शेयर टूल का बेसिकली ये काम है, हमें कोई भी शेप रोटेट करनी हो तो हम उसे कर सकते हैं स्पेसिफिक कोई डिग्री पर, ठीक है। हम अगर यहाँ से ना करना चाहें, हम ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, से शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। हम एंगल रखते हैं इसका 30 डिग्री, ये इस तरीके से होगा, लेकिन ये पूरा चेंज होगा। तो इसके लिए अगर हमें सिर्फ कॉर्नर्स चेंज करने हैं तो हम कॉर्नर्स को चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि शेयर टूल स्केल टूल में एक और चीज़ थी, ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऊपर वाले शेप दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, ऊपर वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से स्केल लूँगा और मैं इसे, आप ये देखिए इस तरीके से भी शेप को बना सकता हूँ, ठीक है, आगे भी मूव कर सकता हूँ, पीछे भी कर सकता हूँ, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, नीचे वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए और स्केल टूल सेलेक्ट किया और नीचे वाले को भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, वो जैसे आप चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्केल टूल में एक और काम हम ये कर सकते हैं, मेरे पास ये एक शेप है, मैं इसकी डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कुछ डुप्लीकेट्स बनाई, इसकी ग्रुप किया, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन करने के बाद मैं अगर अब स्केल टूल लेता हूँ, ठीक है, स्केल टूल लेने के बाद पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया, ऊपर के जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं सबको मैंने सेलेक्ट किया और फिर स्केल सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर अब इसे ड्रैग करूँ तो ये देखिए इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, अगर मैं अंदर की तरफ इसे ड्रैग करूँ तो ये कुछ यू नज़र आएगा आपको, ठीक है। मैं नीचे से करना चाहूँ तो नीचे से करने के लिए मैं पहले नीचे की सिलेक्शन लूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही सेलेक्ट करूँगा स्केल टूल एंड देन नीचे से भी हम कर सकते हैं यू, ठीक है। मैं ऊपर चाहूँ तो ये ऊपर नहीं होगा, सिर्फ लेफ़्ट और राइट होगा, ठीक है। मैं अपनी शेप इस तरह, इसको 3D लुक हम दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टूल है, लास्ट टूल, रीशेप टूल। रीशेप टूल वैसे ज़्यादा कुछ काम का तो नहीं है, मैंने यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक चीज़ है, कहीं कहीं पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब लेट सपोज़ हमें मुझे एक शेप, मैंने ये शेप बनाई है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, ऑरेंज कलर मैंने इसका रख दिया, ठीक है। इसका हम स्ट्रोक भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको इसका स्ट्रोक नज़र आए, कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अच्छा, शेप टूल क्या काम करता है, या मैं अगर आपको एक आउटलाइन में करके दिखाऊँ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास एक आउटलाइन है, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, थीके? और ये बीच के हमारे पास चार पाथ्स हैं, एक ये री, एक ये बॉटम पे और एक ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये हमारी पाथ हैं और ये हमारे कॉर्नर्स वाले जितने भी हैं ये हमारे एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास में ये सब सिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक एंकर पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली मैं पेन टूल लूँगा, पी से पेन टूल, और यहाँ मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया इसमें, और यहाँ से सेकंड भी ऐड कर लिए, दो एंकर पॉइंट ऐड किया, ठीक है। अब मैं इसकी शेप को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इस एंकर पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ और यहाँ मूव कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसे कर्व भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ से कर्व कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले दो एंकर पॉइंट्स ऐड किए, दो एंकर पॉइंट्स के बाद फिर पेन टूल लिया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैंने इसका कर्व चेंज किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे रीशेप टूल से करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए, हमें एंकर पॉइंट्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। वो किस तरह,
हम यहाँ से हमने एक शेप बनाई, शेप बनाने के बाद रीशेप टूल हमने यहाँ से लिया, ठीक है। और हम यहाँ से इस लाइन को अगर ड्रैग करेंगे तो ये नहीं होगा, ये पूरी की पूरी शेप को मूव कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना होगा और हमें इस पाथ को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस पाथ पे हम काम करना चाह रहे हैं हम वो पाथ पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मुझे इसका कर्व चेंज करना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इसकी सिलेक्शन लूँगा, रीशेप टूल लूँगा और जहाँ मुझे एंकर पॉइंट चाहिए होगा, जहाँ से मुझे कर्व करना होगा, मैं सिंपली वहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मुझे और कर्व चाहिए, यहाँ मैं दोबारा क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एंकर पॉइंट खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, यहाँ भी एंकर पॉइंट एक ऐड हो गया, आपको ये दो हैंडल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर मैं इसको कर्व देना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी। मैं अगर इसको भी करना चाहूँ, यहाँ मैं एक ऐड कर देता हूँ एंकर पॉइंट, ये हमारी शेप कुछ यू बन रही है, और मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ ताकि इक्वल हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे शेप बन चुके हैं। तो रीशेप टूल का बेसिकली ये मकसद है कि जितने भी साइजेस होते हैं, जितने भी शेप्स होते हैं, उसे हम रीशेप कर सकते हैं। इसीलिए इस टूल का नाम रीशेप है कि उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं आप हर क्लासेस देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।